हाँ देखो यार, कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था। भले ही इंडिया हार गई, कोई बात नहीं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल में भी हमें देखने को मिलने ही वाला है, तो कोई बात नहीं यार, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। अपना बेटा ही तो जीता है, कोई बात नहीं, जीतने दो, खुशी मनाने दो, खुशी का माहौल है उनके लिए। बात तो सही है। तो चलो यार, अब अपने टॉपिक के ऊपर पे आते हैं। तो तुम लोग को पता ही होगा कि कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, जिस वजह से हमारी जो पिछली वाली वीडियो थी उसके ऊपर पे व्यूज अचानक ही डाउन हो गए थे यार। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जरूर से जाके देख लेना। अब देखो यार, इंडियन हिप हॉप और देसी हिप हॉप, ये नाम में इतना बड़ा पंगा हो चुका है ना कि कभी भी अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं कि इंडियन हिप हॉप, तो कमेंट में लोग ये बोलने लगते हैं, भाई तू ये इंडियन हिप हॉप क्या कर रहा है, देसी हिप हॉप है। कभी देसी हिप हॉप बोल दूंगा तो इधर के बंदे बोलते हैं कि यार ये इंडियन हिप हॉप है, इंडियन हिप हॉप बोल। तो यार इसीलिए कोई बात नहीं, हम तो इंडियन हिप हॉप और देसी हिप हॉप दोनों साथ में बोलेंगे। वहीं अगर इंडियन हिप हॉप या फिर तुम कहो देसी हिप हॉप अगर उसकी बात करें, तो यार रफ्तार एक ऐसा नाम है जिस नाम को तुम कभी भूल नहीं सकते हो। तुम यार रफ्तार को हेट करते हो या फिर पसंद करते हो, बट तुम यार रफ्तार को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखो यार, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेस्टी निंजा, अभी तुम लोग को पता होगा उसका गाना आया था गरम कान, जिसमें उसने रफ्तार के ऊपर पे शॉर्ट्स लिए थे, एंड जब वो लाइव आया था तो देखो उसने क्या बोला। ये क्या बोलते हैं, रफ्तार वाली ट्रिप नहीं है भाई, जो करना था अपने गाने में कर दिया, स्पोर्ट्समैनशिप हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, लंबा नहीं लेके जाने वाले। के बाद जो मेरा भरास था इतना नहीं था, इसीलिए मैंने डिस सॉन्ग नहीं बनाया, इट वॉज जस्ट कपल ऑफ शॉर्ट्स। और वो मेरा एक सीरीज है, मेरा ट्रैप सीरीज का एक गाना था गरम कान, तो मैंने उसमें बस निशाना उसको बना दिया और कुछ सीन नहीं है बाकी। भाई अंकित गन्ना हैज केप्ट अ पीआर टीम टू डिफेम आर्टिस्ट एंड मेंटली टॉर्चर देम। हाँ मेरे को मालूम है ब्रो, वटा वो लोगों, कुछ सीन नहीं है, पक गया मैं तो, बहुत बोर हो गया मेरे को, ऐसा कोई कलमकार बोल देता ना तो मेरे को नींद आ जाती है, ऐसा ठीक ही बना रहा हूँ मैं, लाइक यू नो मैं सब चुतियागिरी नहीं करने वाला हूँ। आई वॉज नेवर इन टू इट, पर मैं घुसा थोड़ा सा, मतलब क्योंकि मेरे साथ उंगली करने की कोशिश की है। भाई तुम हमारे साथ उंगली नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, वी आर डीप इन दिस शिट। अब देखो यार, इंडियन हिप हॉप कह लो तुम या देसी हिप हॉप कह लो, अब इसके अंदर से बहुत सारे रैपर्स हैं जिनको यार कलमकार से पता नहीं किस बात का पंगा है। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो कलमकार के अंदर जितने भी रैपर्स बैठे हुए हैं ना, या फिर तुम अंकित खन्ना कह लो, ये लोग बंदे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। क्योंकि तुम खुद देखो यार, कृष्णा वर्सेस एमवे की जो बीफ चल रही थी उस टाइम पे, कृष्णा ने जब अपना मचाएंगे 4 निकाला था, क्योंकि देखो यार वो जो मचाएंगे सीरीज थी ना, वो मचाएंगे सीरीज एमवे की थी। अब देखो यार, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं एंड बहुत सारे लोग ये मानते हुए कि कृष्णा की अगर बीफ चल रही होती किसी भी बंदे के साथ, तो वो अपने अपोनेंट के आने वाले अपकमिंग जो ट्रैक्स होते हैं, वो उनमें से किसी एक ट्रैक का जो हेडलाइन या फिर तुम कह लो टाइटल होता है, वो चोरी कर लेता है। अब देखो यार, ऐसा तो उनका मानना है, बट अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि एक स्मार्ट मूव खेलना होता है। क्योंकि तुम खुद देखो यार, कृष्णा वर्सेस मुफाड़ की जब बीफ चल रही थी, तो उस टाइम में कृष्णा का जो लास्ट डिस ट्रैक आया था वो आया था माकसम, एंड तुम लोग को पता होगा तो माकसम जो ट्रैक था वो मुफाड़ का आने वाला था। उसके बाद कृष्णा ने माकसम नाम यूज करते हुए अपना ट्रैक निकाल दिया, अपना लास्ट डिस ट्रैक निकाल दिया था, एंड यही सेम चीज उसने मचाएंगे 4 के अंदर भी करी थी। और उसके साथ ही कृष्णा का मचाएंगे 4 और कृष्णा का जो माकसम आया था उसके अंदर एक कॉमन चीज भी है, वो कॉमन चीज ये है कि उन दोनों के जो लास्ट वाला पार्ट होता है गाने का। देखो यार, वो मैं क्लिप तो प्ले नहीं कर सकता वरना मेरे को स्ट्राइक आ जाएगी, तो इसीलिए मैं तुम लोग को एक बता देता हूँ या फिर तुम गाने में जाके देख भी सकते हो कि वो ये बोलता है कि प्रमोशन के लिए धन्यवाद। ये जो लाइन है ना, ये लाइन तुमको माकसम में भी देखने को मिल जाएगी और जो मचाएंगे 4 कृष्णा का उसमें भी देखने को मिल जाएगा। अब देखो यार, कृष्णा वर्सेस एमवी की जो फाइट थी उस टाइम पे, जो कृष्णा था वो बिल्कुल एक स्मार्ट मूव खेले जा रहा था। पहले तो उसने जो टाइटल वाला गेम खेला, एंड उसके बाद दूसरी चीज उसने ये करी कि उसने एमवी को ट्रिगर किया था, जैसे कि उसने स्वालिना के बारे में बोला था, एंड लास्ट में तुम लोग को पता होगा उसने बोला था कि अगर मेरी मदर के ऊपर पे जाएगा तो फिर जो मामला है वो रैप के बाहर जाएगा, बेसिकली वार्निंग दी थी। क्या बात कर रहे हैं। एंड देखो यार, ये सारी जो थी, ये सारी चीजें कृष्णा ने जानबूझ के करी थी ताकि एमवी ट्रिगर हो और कोई गलती करे। एंड नो डाउट यहाँ पे कृष्णा का जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा, एमवे ट्रिगर हुआ, एमवे ने अपने रिप्लाई ट्रैक जो था उसका मचाएंगे 4 उसका फिर पोस्टर चेंज कर दिया था, पहले जो पोस्टर था उसके बाद दूसरा पोस्टर लगाया, एंड उसके बाद जो गाना था, गाने के अंदर तुम्हें पता है अननेसेसरी गालियां दी हुई थी, जिसकी वजह से तुम लोगों ने देखा होगा कि ट्विटर वगैरह पे भी #shameonmv भी ट्रेंड कर रहा था। अब देखो यार, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि एमवे को इस चीज की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। पहला तो उसकी जो एक इमेज थी वो खराब हो गई, दूसरा उस बंदे को अपना जो डिस्ट्रैक्ट था उसे प्राइवेट तक करना पड़ गया। जैसे कहते हैं ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, बिल्कुल ये कहावत एमवे के लिए यहाँ पे फिट होती है। स्ट्राइक भी प्राइवेट करना पड़ गया बंदे को, और उसके साथ ही हेट जो मिली वो अलग। देखो यार, कृष्णा के पास जो पहले ऑडियंस थी वो नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छी ऑडियंस थी, और कृष्णा का लिरिकल गेम भी बहुत खतरनाक है, तो जो भी ऑडियंस उसको सुनती है वो उसकी फैन बनी जाती है। एंड डिस गेम के बाद जो और नई ऑडियंस आई, वो और नई ऑडियंस कृष्णा की तरफ आई, और उसके साथ ही कृष्णा का जो ऑडियंस बेस पहले था वो उससे ज्यादा भी बढ़ गया। वेल देखो यार, यहाँ से तुम लोग को एक चीज तो पता चली गई कि अगर तुम्हारे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे तुम ट्रिगर हो जाते हो, तो ये याद
रखना कि तुम्हारी अगर कभी भी फाइट होती तो तुम्हारा अपोनेंट अगर स्मार्ट है तो हमेशा जो तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट है उन पे हमेशा वार करेगा। एंड मे बी तुम एमवीपी की तरह ही फिर जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एंड देखो यार, हम बस 3 दिन दूर है कृष्ण और बदवी के कॉलअप को सुनने के लिए, तो यार तुम कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर से बताना। एंड देखो यार, फाइनली आज हमारे चैनल के ऊपर 600 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो यार, तुम सभी लोगों को यार दिल से धन्यवाद। एंड उसके साथ ही जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, यार बहुत सारे लोग जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार तुम लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर। अगला हमारा टारगेट यार 1000 सब्सक्राइबर्स करना है। और उसके साथ ही यार, मेरी अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जरूर से जाके देख लेना, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एंड उसके साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, फॉलो भी कर लो आके।